बीते दिनों उपमंडल सलोनी की बाड़का पंचायत के गांव पटोतरी में घरेलू हिंसा की शिकार हुई 5 बच्चों की मां उमा देवी आखिर अपना इलाज करवाकर सकुशल घर वापस आ गई। बताते चलें कि बीते माह उमा देवी अनुसार उसके पति ने दराज से उस पर वार कर उसे लहूलुहान कर दिया था, जिसे पुलिस ने पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया था। इस कारण उसके 5 बच्चों को संभालने वाला घर पर कोई नहीं था, तो SDM ने बच्चों को बाल कल्याण गृह शिमला भेज दिया। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद शुक्रवार को पीड़िता उमा देवी SDM सलोनी किरण भड़ाना से अपने बच्चों को घर वापस भिजवाने की मांग लेकर मिली, जिस पर SDM ने उसे उसके बच्चों की फोटो मोबाइल पर मंगवाकर दिखाई और आश्वस्त किया कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो ले फिर उसके बच्चों को वापस बुला लिया जाएगा। SDM सलोनी किरण भड़ाना ने कहा कि बाड़का पंचायत के पटोतरी गांव की उमा देवी, जो कि घरेलू हिंसा की शिकार हुई थी, वह अपने बच्चों को वापस घर लेने की मांग लेकर शुक्रवार को अपने भाई के साथ उनके पास आई थी, लेकिन वह अभी तक पूर्ण स्वस्थ नहीं है, जिस पर उन्होंने उसे आश्वस्त करवाया और समझाया कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं। उसके बाद उसके बच्चों को उसके पास वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीड़िता 40% अपंग है, मगर इसका परिवार BPL में नहीं है, जिसके लिए BDO को उक्त परिवार को BPL में लाने के लिए कहा गया है और प्रदेश सरकार द्वारा मिलने वाली तमाम सहायता पीड़िता को दिलवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि घर की स्थिति भी ठीक नहीं है, उसे भी दिलवाया जाएगा, क्योंकि यह अत्यंत गरीब परिवार से है। हिमाचल तेज खबर के लिए सलोनी से दिनेश राणा की रिपोर्ट। मेरा नाम है। ते तू तूने लाड़े मारू थी? हां जी, जरा तो सब मारे थी मेरा लाड़े। अच्छा, क्रे खातर मार थी तू? मैं पहले वो पैसे मांगने लगा। हां जी, मैं रे मेरे को पैसा ही नहीं ना। अच्छा। और लगा गाना कि मेरी गल मान, मेरे के छोटा बच्चा और चाहिए था। अच्छा, उसका असर मैं मना कर गई। मैं माफी मांगी करे, कोई इनसे कोई जान से मारी जंदा कोई नहीं। मैं या सा मेरी गल मान या अपने ही कर दे, और मेरे को पता नहीं रहा ये क्या कर मुंडे लिया जरा टूट गया मेरे बाद। ते शराब थी फिर की सौंफी मांगते? शराब भी पीते थे, भांग भी पीते थे। शराब भांग भी ना, तो फिर तो जो कोनी दस तुझे तो चंबे लगे थे कि टांडे? पहले चंबे लगे। अच्छा, ते तेरे कितने बच्चे ना? मेरे 5 बच्चे हैं ना। अच्छा, आज कौन से बच्चे? चंबे। तो तू एक चांद देवे? मेरे बच्चे मेरे पास में मिल जान, तो मैं यही चांद दिए। तूने घर करे? मेरा घर घर कोई ठिकान नहीं, मेरा घर 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 कच्चा मकान है, घर रहना कि वो मिल जाए, पक्का स्वास्थ्य मिल जाए, और मैं वही चाहती। ये बड़का पंचायत की लेडीज वगैरह मिलने के लिए आई थी? हाँ जी, आज वो आई थी, अपने भाई और परिवार के साथ आई, और काफ़ी दुखी थी और चाह रही थी कि उनके बच्चे उन्हें जल्दी मिल जाएं, पर प्रशासन ने यही राय दी कि पहले वो खुद ठीक हो जाएं। कुछ उन्हें जख्म ऐसे आए हैं जो अभी बच्चे बहुत छोटी उम्र के हैं वो देखने के लिए, और हमने यही कोशिश करी है कि इनका जो अभी तक ये इनके पास इनकम सर्टिफिकेट हैं पर ये भी BPL में नहीं है, तो हमने BDO मैडम से भी कहा है कि जल्द से जल्द इन्हें BPL से भी जोड़ें। ये बहुत ही गरीब घर की है और इनके साथ जो अत्याचार हुआ है वो किसी के साथ होना नहीं चाहिए। दूसरा, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डालसा के साथ के माध्यम से भी कि इन्हें HP क्राइम्स कंपनसेशन स्कीम के अंदर भी कुछ पैसे मिल जाएं, जो इनके साथ गलत हुआ है वो इनका हर्जाना मिल जाए, जो इनके मेडिकल बिल्स हैं वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कैसे न कैसे सरकार की तरफ से इन्हें कुछ ना कुछ मिले। इनके घर की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका घर बहुत ही बुरी हालत में है और अब इनके पति जेल में चले गए हैं और ये खुद थोड़ी ज़ख्मी हैं, ये 40% विकलांग हैं और 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमारी यही कोशिश है कि ये इस बुरे हादसे के बाद भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें और अपने बच्चों को भी एक अच्छा भविष्य दे सकें। इनको अभी कोई आर्थिक सहायता मिली है? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है, अभी सिर्फ बच्चों को ही हमने रिहैबिलिटेट करके उन्हें शिमला भेजा है, पर हम कोशिश कर रहे हैं, हमने अभी इनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन और फाइल तैयार कर ली है, हम फॉरवर्ड कर रहे हैं ये जिला प्रशासन को भी और बाकी CM रिलीफ फंड के लिए भी हम इनको रेकमेंड कर रहे हैं यहाँ से। थैंक यू।